वेलकम डियर लर्नर्स, इन टुडेज़ टॉपिक वी विल बी लर्निंग अबाउट रेड ब्लड सेल्स और RBCs. हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. टुडेज आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज, ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस यू शुड बी एबल टू गिव द डायमेंशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, द नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड इन मेल एज वेल एज फीमेल. List the functions of red blood cells. You should give the list of abnormal forms of red blood cells which is commonly observed and appreciate the importance of specialties of red blood cell membrane. So we'll start. Red blood cells are the non-nucleated formed elements of the blood. Non-nucleated formed elements of the blood is very much important and it has to be stressed on. So it is having no nucleus and it is a cellular component of blood along with WBC and platelet. Red blood cells are also known as erythrocytes, where erythros means red and cytes means cell. Now this red color to the red blood cell is due to the presence of a coloring pigment called as hemoglobin, which has been discussed in detail in the previous video. RBC play a vital role in the transport of respiratory gases. RBCs are larger in number as compared to other two blood cells called as white blood cells and platelet. इसका मतलब ये है RBCs transport of respiratory gases में बहुत important role play करता है क्योंकि उसके अंदर hemoglobin करके pigment होता है. और RBCs as compared to और बाकी के दो cells उनकी quantity ज़्यादा होती है. Now, in this image, it has been clearly described of all the composition of blood components. As you can see, this blood vessel containing this light red portion called as blood vessels or endothelial cells, this ampulle label shaped structure, red in color, is called as RBCs. These are WBCs having spikes and platelets. Okay. Platelets having spikes and this round structure called as WBC. So these are the formed elements of blood: RBCs, platelets and WBCs. Now we'll look towards the structure of RBC. The normal human red blood cell, it is circular, means goal hai, non-nucleated, having no nucleus, and it is biconcave. Biconcave means jo dono sides se andar ki taraf jhuka hua hai. इसको हम डंबल शेप भी बोलते हैं. डंबल जो जिम में इंस्ट्रूमेंट होता है वो शेप का. तो इसके तीन प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट लाइन की, सर्कुलर है, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बायकॉनकेव डिस्क शेप. द सेंट्रल पोर्शन इज थिनर एंड द पेरिफेरी इज थिकर. जो उसका बीच का पोर्शन है ना वो थिन है और जो उसके सर्कुलर पेरिफेरी का पोर्शन है वो थिक है. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम विद दिस बायकॉनकेव कॉन्फिग्रेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. इस वजह से ये प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, गैशेस एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से होता है. अभी ये डायग्राम जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है. एज यू कैन सी दिस सेंट्रल पोर्शन, इट इज थिन हैविंग 1 माइक्रॉन इन डायमीटर, और ये जो है आउटर पेरीफेरी पोर्शन, ये थिकेस्ट पार्ट है. ठीक है. Now the diameter of RBC is 7.5 micron, thickness at periphery it is thicker with 2.2 micron and in the center it has a diameter of 1 micron thickness. Okay? This difference in thickness is because of the biconcave shape. Okay? अब इसका सरफेस एरिया कितना है, 120 स्क्वायर माइक्रोन. दीज बोथ आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड रिमेंबर द डायमीटर 7.2 माइक्रोन, द थिकनेस इन द सेंटर इट इज 1 माइक्रोन एंड एट द पेरिफेरी इट इज थिकर. नाउ दिस शेप इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और ड्यू बिकॉज ऑफ बायकॉनकेव शेप. नाउ व्हाट इज द मोर एडवांटेज ऑफ बायकॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसी, लेट्स सी. व्हेन एक्सपोज्ड टू हाइपोटोनिक एनवायरमेंट, रेड सेल्स विथस्टैंड लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन, टू अ ग्रेटर डिग्री एज दे स्वेल टू लार्जर एक्सटेंट टू अटेन द स्पेरिकल शेप बिफोर बस्टिंग. इसका मतलब ये है जो आरबीसी जिस एनवायरमेंट में है वो उसका ओन एनवायरमेंट है. अगर बॉडी में समझो
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है, जिससे क्या हो जाता है, आरबीसी क्या करता है, अपना शेप मेंटेन करने के लिए या अपना फंक्शन प्रॉपर करने के लिए क्या कर देते हैं ये लोग, ये क्या करते हैं, अपने आप को स्वेल कर देते हैं। और ये स्वेलिंग या अनड्यू बल्जिंग की वजह से क्या हो जाता है, ये बर्स्ट हो सकते हैं। इसके लिए बाइकॉनकेव शेप है, इस वजह से क्या होता है, ये जल्दी बर्स्ट नहीं हो पाते, ठीक है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन ईजी फोल्डिंग ऑफ रेड सेल्स एंड देयरफॉर इट फैसिलिटेट्स पासिस और मूवमेंट थ्रू दी नॉर्मल कैपिलरीज, नैरो कैपिलरीज। कहीं कहीं पे अपने जो ब्लड वेसल्स है वो थिक है, कहीं कहीं पे स्मॉल है, और जहाँ पे एनेस्टोमोसिस होता है जैसे कि कैपिलरीज एरिया में, वहाँ पे उसका जो डायमीटर है वो थिन होता है ना पैसेज ब्लड वेसल का, तो उसमें से वो इजीली पास हो सके और स्क्वीज हो सके, इसके लिए ये बाइकॉनकेव शेप है, जिसके वजह से क्या होता है वो नैरो एनवायरनमेंट में भी पास हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और ब्लड के फ्लो से और एग्जर्ट होगा फोर्स और आरबीसीज ब्रेक हो सकते हैं। नाउ दिस आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, द ओनली मैमल विच हैज़ न्यूक्लिएटेड आरबीसीज इज कैमल। एज यू कैन सी देयर इज राइमिंग और थोड़ा सा मैमल कैमल राइम हो रहा है, तो आपको ये इजीली याद हो सकता है। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन आरबीसी द डीएनए इज ऑल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियस ही नहीं है तो आरबीसी में डीएनए भी नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा और गॉल्जी अपैरेटस भी एब्सेंट होगा। ओके, नाउ वी लुक टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रोलेक्स फॉर्मेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन ब्लड इज टेकन इनटू अ कंटेनर, और अगर वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है या एंटीकोगुलेंट के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, तो आरबीसीज है ना ये एक के ऊपर एक ऐसे पाइलअप हो जाते हैं, जैसे कि हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक पाइल करते हैं ना, तो वैसे ही ये आरबीसीज भी अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक दूसरे के ऊपर पाइल हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन या ये जो आकार बनाते हैं इसको हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। व्हेन ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स द आरबीसीज पाइल अप अबव वन अनदर लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज रोलेक्स फॉर्मेशन। इट इज एक्सेलरेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। देखा, जैसे आप ये लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये एनिमेटेड है, और जो आपके राइट हैंड साइड में है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी इज 1.092 to 1.101। पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम इज द पोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाटोक्रिट वैल्यू। नाउ दिस पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है ना, ये वेन एवर एक सपोज से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज इन नीड ऑफ ब्लड, ठीक है, तो वो जो ब्लड होता है ना इसमें बहुत सारे टाइप के ब्लड होते हैं। एक होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, एक होता है होल ब्लड, एक होता है जिसमें सिर्फ हम फाइब्रिनोजन देते हैं, एक होता है जिसमें हम सिर्फ प्लेटलेट देते हैं, एक होता है जिसमें सिर्फ हम WBC का ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो जिस कंडीशन में समझो एनीमिया है, तो उस कंडीशन में हम होल ब्लड देने के बजाय सिर्फ उनको आरबीसी दे सकते हैं या पैक्ड सेल्स दे सकते हैं सिर्फ। सो इसको बोलते हैं हम पैक्ड सेल, जिसमें आरबीसीज का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज। नाउ आई कैन गिव यू व्हाट वी कैन से म्यूमोनिक टू लर्न द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी। इन प्रैक्टिकल्स व्हाट वी डू इज व्हेन वी गो फॉर एस्टिमेशन ऑफ आरबीसी काउंट, सो देर इज अ आरबीसी पिपेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी हैव टू सक द ब्लड एंड मिक्स इट। तो वो आरबीसी का जो पिपेट होता है ना उसका मार्किंग 0 से 101 तक होता है, और जो WBC का पिपेट होता है ना उसका मार्किंग 0 से लेके 11 तक होता है। तो आरबीसी का मार्किंग जो 0 से 101 है, इससे हम वो 101 लेके यहाँ पे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लगा सकते हैं जो होगा 1.092 to 1.101, ठीक है। नाउ सस्पेंशन स्टेबिलिटी। During circulation, the RBC remains suspended uniformly in the blood. This property of RBC is called as suspension stability. इसका मतलब जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो बहुत सारे सेल्स होते हैं
जो सेल्स थोड़े हेवी भी होते हैं, बट प्लाज्मा और आरबीसी का ये जो प्रॉपर्टी है, इसके वजह से क्या होता है ना, वो ब्लड में सेटल डाउन नहीं होते बॉटम में, और पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली घूमते रहते हैं ब्लड में। तो ये जो प्रॉपर्टी, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता, जो भी ब्लड सेल्स है ना, वो ब्लड वेसल्स के बॉटम में जाके सेटल हो जाते, या जब हम बैठते खड़े होते तो अपने पैरों में ये सेल्स जाके जम जाते, तो जिसके वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता। तो सस्पेंशन स्टेबिलिटी का ये इम्पोर्टेंस है। सो दीज वर दी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज, द फर्स्ट बीइंग रोलेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड पैक सेल वॉल्यूम, एंड द लास्ट सस्पेंशन स्टेबिलिटी। नाउ वील सी वॉट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ ब्लड इंडाइसिस एंड हेमोग्लोबिन, वी स्टडीड आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और ये कहाँ जाके डिस्ट्रक्शन होता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, स्पेशली स्प्लीन। नाउ वील सी वॉट आर द फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स का तो फर्स्ट फंक्शन यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही ये मेन फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन ये भी है कि इट मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस। थर्ड फंक्शन इज रेड सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 50% ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड विस्कस, जो थिकनेस होता है ना, हमने प्रीवियस वीडियो में पानी का कंपैरिजन किया था ब्लड से। सो पानी कितना है, एकदम लिक्विड पोर्शन है, और ब्लड कैसा है, उसके कंपैरेटिव में थिक ज़्यादा है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है ब्लड कंपोनेंट्स। एंटीजन ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू डिफरेंशिएट ब्लड ग्रुप। अब हमारा और आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो आरबीसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए, ए बी, ओ या बी पॉजिटिव। नाउ वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंड द लास्ट पार्ट इज वेरिएशन इन द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द साइज ऑफ आरबीसी इन वेनस ब्लड इज स्लाइटली लार्जर देन दोज इन द आर्टेरियल ब्लड, बट अब नॉर्मल कंडीशंस क्या हो जाता है ना, कभी कभार आरबीसी बहुत ही छोटे होते हैं, कभी कभार बहुत ही बड़े होते हैं, या कभी कभार कोई अबनॉर्मल शेप ले लेता है, मतलब वो डम्बल शेप, बाइकॉनकेव शेप के बजाय कुछ अलग ही शेप हो जाता है। तो पहला होता है माइक्रोसाइट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड साइट्स मीन्स सेल, सो स्मॉल सेल्स। मैक्रोसाइट्स, मैक्रो मीन्स लार्ज एंड साइट्स मीन्स सेल्स, तो लार्ज सेल्स। एंड एनिसोसाइट्स मीन्स सेल्स विद डिफरेंट साइजेस। सो एज यू कैन सी इन द बिलो इमेज, पहला है माइक्रोसाइटिक, बड़ा, दूसरा है मैक्रोसाइटिक, और तीसरा है, तीसरा भी है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोम। ठीक है, यू कैन सी जो सबसे बड़ा वाला जो है राइट हैंड साइड पे, वो बहुत ही बड़ा है और थोड़ा लाइट कलर में है एज कम्पेयर टू दैट सेंट्रल पोर्शन। तो सेंट्रल पोर्शन वाला है नॉर्मोक्रोमेटिक मैक्रोसाइटिक, मतलब नॉर्मल कलर पर बड़ा साइज। जो लास्ट वाला है बड़ा साइज पर कम कलर, और जो फर्स्ट वाला था छोटा साइज और हाइपोक्रोमेटिक कम कलर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इमेज और दिस इमेज, इट शोज द अबनॉर्मल शेप्स ऑफ द आरबीसी। एनिसोसाइट्स जिसको हमने बोला था, ये अबनॉर्मल शेप है। सो एज यू कैन सी देर आर वराइटी ऑफ अबनॉर्मल साइज ऑफ द आरबीसी और शेप ऑफ द आरबीसी। इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी स्टडिंग अबाउट इरिथ्रोपोइसिस, एंड इन टूडेज वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स। So, see you again in the next video. Do like and share this video you feel you or your friends is in need of for better understanding. Thank you.